स्टूडेंट्स, मिस पूजा फ्रॉम एच क्रू। तो आप सबको पता है आप सबके एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है। और उस एग्जाम में आपको इस बार शीट पे अपना एग्जाम देकर उसको व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। बट आपको वो शेयर कैसे करना है वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। आपको डायरेक्टली शेयर नहीं करना है कि आपने अंश शीट में काम किया और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में सारी शीट्स को शेयर कर दिया, बिल्कुल नहीं। आपको उसको एक पीडीएफ की फॉर्म में शेयर करना है, ठीक है। अब आप सोच रहे होगे पीडीएफ की फॉर्म में कैसे शेयर करेंगे, तो वो मैं आपको इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगी कि आप कैसे शेयर कर पाएंगे, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, आप सारे स्टेप को ध्यान से देखिए और उसको फॉलो कीजिए, आप इजीली कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको शीट लेनी है। आपको मैक्सिमम शीट सिर्फ 5 यूज़ करनी है, 5 से ज़्यादा शीट आप नहीं ले सकते, ठीक है। मैक्सिमम शीट आप लेंगे 5, और मिनिमम आप कितनी भी ले सकते हैं, एक शीट लो, दो शीट लो, बट मैक्सिमम 5 शीट में आपको अपना 60 मार्क्स का पेपर कंप्लीट करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको लिखना है अपना नेम, जैसे मैंने अपना मेंशन कर दिया, आप अपना करेंगे। आपका फादर का नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, क्लास के साथ सेक्शन लिखना कोई भी ना भूले, सेक्शन बहुत मैंडेटरी है, और पेज नंबर, ठीक है। डेट जिस दिन आप एग्जाम दोगे उस दिन की डेट, ठीक है। और पेज नंबर आप जैसे जैसे शीट आप लेते जाओगे पेज नंबर आप मेंशन करोगे। जैसे आपने फर्स्ट शीट ली, फर्स्ट पे पेज नंबर, सेकंड शीट लोगे तो सेकंड शीट पे आपको सेम चीज़ें फॉलो करनी है दोबारा। सेकंड शीट पे भी आपको नेम, फादर्स नेम, क्लास, सेक्शन और रोल नंबर और आपका पेज नंबर, ठीक है। फिर नेक्स्ट शीट लोगे, सेम प्रोसीजर फिर से अप्लाई करोगे सारा, फिर पेज नंबर। फिर आप नेक्स्ट शीट लोगे, सेम प्रोसीजर फिर से नेम, रोल नंबर, क्लास और फिर पेज नंबर। पेज नंबर आपको सीक्वेंस में डालने हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने शीट्स पे नंबर डाल दिए, नेम मेंशन कर दिया, साइज डिटेल आपने शीट्स पे डाल दी। अब आपने अपना, मान लीजिए आपने पेपर भी अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, सारी शीट में कर लिया। और प्लीज़ भूलना मत, 5 से ज़्यादा शीट आपको नहीं लेनी, ठीक है। तो आपने 5 शीट्स में सारा काम कर लिया, अब आपको उसको शेयर करना है। तो हम शेयर कैसे करना है, डायरेक्टली नहीं, किस टाइप से करेंगे, अब आपको सारे स्टेप्स को देखना है ध्यान से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे, आप सबसे पहले आप जाएंगे कैमरा, पिक्चर्स आपको बिल्कुल क्लियर और स्ट्रेट ही क्लिक करनी है। तो आप कैसे क्लिक करेंगे, पहले फर्स्ट पेज, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। सेकंड, थर्ड एंड फोर की फोर पिक्स आपने क्लिक कर ली। अब नेक्स्ट आपको करना क्या है, क्लिक करने के बाद आपको करना है अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड। आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपके घर में कोई बड़ा है आपसे, आपको कोई गार्जियन है जो आपको समझा सकता है, अदरवाइज आपको डाउनलोड करना है WPS ऑफिस। कैसे डाउनलोड करेंगे आप, प्ले स्टोर पर जाना है फर्स्ट, देन आप सर्च के ऑप्शन पर जाएंगे, वहाँ डालेंगे WPS ऑफिस एंड सर्च, ठीक है। अब ये आ गया आपका WPS ऑफिस, ठीक है। इसे आपको कर लेना है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद आपके फ़ोन की होम स्क्रीन पे ये इस टाइप से आ जाएगा, दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद एक इस टाइप का प्लस का ऑप्शन आएगा ऐड का, ठीक है। आप जाएंगे इस ऐड के ऑप्शन पे, और जाने के बाद ही आपको ऊपर जो कलर्ड ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें से आपको कोई भी सिलेक्ट नहीं करना है। आप डाउन पे जाइए, इस लाइन में एक दिया है रिज्यूम मास्टर, चूज टेम्पलेट, पिक्चर कन्वर्जन एंड कलेक्शन। तो आपको जाना किस पे है, पिक्चर कन्वर्जन पे, बिकॉज आपको पिक्चर को कन्वर्ट करना है। पिक्चर कन्वर्जन पे आप जाएंगे, नेक्स्ट आप क्या करेंगे, आप इसके फोर्थ नंबर के लिंक पे जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे क्या लिखा था पिक्चर टू PDF। इस फोर्थ ऑप्शन को आप क्लिक करोगे ऐसे, तो आपका आएगा नीचे सिलेक्ट पिक्चर्स, ठीक है। हम सिलेक्ट पिक्चर सेलेक्ट करने के लिए एक टेक पिक्चर आएगा,
फ्रॉम एल्बम आएगा। आप पहले पिक्स क्लिक करके रख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था क्लिक करनी है, फिर आप फ्रॉम एल्बम पे जाएंगे। उस एल्बम में आपको देखिए सारी पिक्स आपकी स्क्रीन पे आ गई है। अब आपको इसको सिलेक्ट करना है सीक्वेंस में। सीक्वेंस में कैसे, 1, 2, 3, 4, हमने 4 की 4 शीट्स सिलेक्ट कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे, आपके राइट साइड के डाउन में ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट, ऐसे, ठीक है। प्रोसेसिंग होने के बाद देखिए सीक्वेंस में सारी पिक्स आ रही हैं आपके, 1, 2, 3, 4 आ गई। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारा प्रोसेस कंप्लीट है, सेव। सेव कहाँ करेंगे आप, माई डॉक्यूमेंट्स पे। कहाँ पर, माई डॉक्यूमेंट्स पे, 4th नंबर, ठीक है। अब सबसे नीचे देखिए, आपको यहाँ भी कुछ नहीं करना है, लिखा आ रहा है डॉक्यूमेंट WPS ऑफिस, सबसे नीचे डाउन। यहाँ पर आपको उसको करना है रीनेम। रीनेम मतलब होता है आपको दूसरा नेम डालना है अपना। आप अपना नेम डालें, कोई भी डाल सकते हैं। आप स्कूल के स्टूडेंट हैं, किस नाम से आपका है, जैसे मान लीजिए मेरा नाम है पूजा खत्री, ठीक है। कौन सी क्लास और सेक्शन, क्लास, क्लास आप डायरेक्टली डाल दीजिए, 8th BA कुछ भी, ठीक है। इस टाइप से आपको करना है, अपना क्लास और सेक्शन डाल देना है अपने नेम के साथ। करने के बाद कुछ नहीं छेड़ेंगे आप इसमें, सिंपल क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट टू PDF, डाउन पे एक्सपोर्ट टू PDF, डन। फिर जाएंगे आप शेयर पे। शेयर पे जाने के बाद आपको डायरेक्टली ऊपर से शेयर नहीं करना है, शेयर लिंक के थ्रू आपको नीचे आना है मोर शेयरिंग ऑप्शंस पे, ठीक है। आपको सेंड फाइल पे जाना है, ठीक है। मेल, कंप्यूटर, व्हाट्सएप, मैसेंजर, इसमें से किसी को भी ओपन नहीं करना है, इससे आपका लिंक जाएगा। हमें लिंक शेयर नहीं करना है, हमें PDF शेयर करनी है, ठीक है। तो हम जाएंगे सेंड फाइल पे, ठीक है। सेंड फाइल क्लिक, कहाँ शेयर करना है आपको, व्हाट्सएप पे, तो व्हाट्सएप पे क्लिक। अब इसमें आपको जो भी रिस्पेक्टिव ग्रुप है, ठीक है, जो भी आपके रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं जिसमें आपको शेयर करना है, आप उस पर शेयर कर दीजिए। जैसे कि अगर मैं शेयर करूँगी, मैंने शेयर कर दिया यहाँ पे। अब शेयर करेंगे, अब आप वेट करेंगे जब तक ये पूरा शेयर ना हो जाए, ये आपका जो ग्रीन सर्कल है ये फिल ना हो जाए। अभी पूरा फिल हो गया है, ठीक है। जैसे इस पर डबल टिक आएगा, आपकी PDF शेयर, ठीक है, डन। अब हमें चेक करना है इसको, ओपन करके आप चेक करना चाहते हो क्रॉस चेक कि कैसी गई है PDF, तो ऐसे क्लिक करो, ठीक है, ये देखिए, डन। तो सिंपल यही प्रोसीजर आपको अप्लाई करना है, और आपको पिक्चर्स को अलग अलग शेयर नहीं करना है, आपको उसको PDF फॉर्म में शेयर करना है, ठीक है। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, तो सभी बच्चे वहाँ से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। किसी को भी अगर कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।